उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ चरम पर है। यहां बेखौफ बदमाश एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद ये एक बार फिर बदायूं जिले में इस वक्त देखने को मिली, जब यहां एक सरकारी कर्मचारी की गोली मार कर हत्या कर दी गई, जिसका शव मंगलवार शाम बाजरे के खेत में पड़ा मिला। दरअसल उधानी कोतवाली इलाके के गांव बसोमा में एडीओ पंचायत सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया गया। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय रामदयाल पुत्र सुंदर लाल उधानी ब्लॉक में एडीओ पंचायत सहायक पद पर तैनात थे। परिजनों ने बताया कि रामदयाल मंगलवार सुबह 5 बजे टहलने के बाद बहकर घर से निकले थे। जब काफी समय बाद भी वह घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद रामदयाल के बेटे गौरव ने गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी। वहीं गांव के ही प्रताप सोलंकी के बाजरे के खेत से गुजर रहे बच्चों ने शव को देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया, जिसके बाद रामदयाल के परिजन समेत ग्रामीणों की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने पुलिस को तुरंत मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। हमारे पापा को सर गोली से मारा है सर। किसी पे शक वगैरह है? हाँ शक है। क्या? मुकेश साहू और इंद्रपाल। कहाँ के हैं ये? ये बसोमा के हैं। क्या कोई पुरानी रजिस्ट पुरानी कह सर, पहले 27 तारीख को पहले पापा को मारा था इन्होंने, इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था। यहीं आ गया। तो ये कब से थे ऐसे? जी सुबह पाँच बजे से नहीं मिले थे। अच्छा, फिर आप थाने गए थे? थाने गए थे हम। क्या हुआ है? हमने मतलब गुमशुदा की रिपोर्ट दी थी हमने, तो लोकेंद्र भाटिया को हमने दी। तो लोकेंद्र भाटिया ने हमसे ये कहा था कि ये बताओ अभी क्या घटना हो गया, क्या हो गया? बोले हमारे भी बच्चे चले जाते हैं, तो क्या ये नई बात हो गई? बोले पहले देखो जाके जाओ। तो हमने साहब सिगरेट देख के तभी आए हैं, इससे पहले नहीं आए। तो बोले जा, अभी घटना नहीं हुआ। फिर आपको यहाँ पर कितने बजे पता लगा ये? हमें जो बेटा मालूम, हम तो साहब पता चला, मैंने ये देखा था शाम का टाइम हो रहा था, करीब 5 करीब या 4:30 का टाइम हो गया।